एक विलन रिटर्न्स रिलीज हो चुकी है। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है बात करने के लिए राजन सर। सर आपने कल देखी विक्रांत सोना और आज आपने देखी एक विलन रिटर्न्स, क्या लगता है रिटर्न हुआ है विलन या फिर नहीं? बहुत बड़े तो अभी रिटर्न हुआ है, मजाक है मूवी देखी। ट्विस्ट टर्न्स, इतना सस्पेंस, मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। और मैंने मतलब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था कि मोहित सूरी की मूवी है तो अच्छा, म्यूजिक तो ऑलरेडी हम म्यूजिक के दीवाने हो गए थे, सारी हर सॉन्ग का मैं दीवाना ये मूवी थी, बहुत ज्यादा बार बार मैंने सुना है और इसलिए मैं आया हूँ ये मूवी देखने के लिए। या फिर वो शाम बहुत बहुत बढ़िया, दिल वाला गाना। दिल वाला वेरी गुड वेरी गुड। और वो मेट्रो का जो एक्शन सीन है वो कितना जबरदस्त है, जॉन और इसके बीच में अर्जुन, और अर्जुन कपूर की क्या लुक है, जबरदस्त। ओ माय गॉड, लड़कियां तो बिल्कुल, मतलब ही इज रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ यू नो एक्चुअली। और इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स और लास्ट में जो क्लाइमैक्स है, मतलब हम कुछ चारों ही विलेन लगते हैं, तारा दिशा पटानी, जॉन इब्राहिम और कपूर, और सब पैरेलल प्लॉट चलते हैं और मतलब इतना मजा आता है। हालांकि मुझे जॉन थोड़े जेडेड लगे, ही लुक लिटिल बिट ओल्ड, बट इट्स ओके, मतलब आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, टेल अस अबाउट दिशा पटानी सर, इज ही शी परफॉर्मड अ बिट वेल और लाइक ही इज गुड, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल है उनका रोल, है ना, मतलब छुई मुई टाइप, जैसे वो उड़ा देती है वो बाइक वालों को, मतलब चारों का रोल बहुत अच्छा, तारा सुतारिया, ऑल ऑफ देम आर अनप्रेडिक्टेबल, अर्जुन कपूर जो है ऑल ऑफ देम हैव रीइन्वेंटेड देमसेल्फ, क्योंकि पहले में सिद्धार्थ मल्होत्रा थे और श्रद्धा कपूर थी और रितेश देशमुख, वो अपना एक अलग मजा, जी बिल्कुल अलग ही था। लेकिन सीक्वल ज्यादातर अच्छी नहीं होती, ये सीक्वल मोहित सूरी को मैं पूरा क्रेडिट देता हूं, इतना अच्छा म्यूजिक, इतनी अच्छी स्टोरी, इतने ट्विस्ट और टर्न्स, पूरा फुल ऑन मसाला मूवी एंड टीन एज, मतलब ऑल द यंगस्टर्स भी इंजॉइंग सो मच, मतलब स्पेशली बिकॉज ऑफ म्यूजिक, तो मजा आ जाएगा, डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। अच्छा, टेल अस अबाउट मोहित सूरी फिल्म, बिकॉज उन्होंने बहुत सालों बाद, मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में म्यूजिक अच्छे सॉन्ग के साथ फिल्म लाई है, क्या लगता है? बिल्कुल, बॉलीवुड इज बैक एंड मोहित सूरी इज बैक विद अ बैंग, एंड रियली मतलब लोगों को तो वो इतना मतलब आकर्षित करेंगे, यंग क्राउड को स्पेशली, क्योंकि गाने आपके जहन में बस जाएंगे, आपके रोम रोम में बस जाएंगे, एक एक गाना, क्या वर्डिंग है एक एक सॉन्ग की, तनिष्क बागची और अंकित तिवारी ने क्या कंपोज किया है, मजा आ जाएगा। और क्या लगता है विक्रांत सोना भी रिलीज हो चुकी है कल, उसको ये टक्कर देगी हिंदी मार्केट में? सी मामा, विक्रांत सोना इज डिफरेंट जॉनर, बट मुझे दोनों ही मतलब वो अलग जॉनर है, जी, और जी, अलग जॉनर जी, है। जी, तो दोनों टक्कर देगी और लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा मनेगा, दे विल एंजॉय बोथ द मूवी। आई थिंक आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गया अभी तक। अच्छा अच्छा, फिल्म की बात करें, ये फिल्म काफी लिमिटेड टाइम की है, 2 घंटे की, शायद वो भी एक अच्छा रीजन है, बहुत बड़ा है ना। एडिटर को मैं बधाई देना चाहूंगा, एडिटर हैं जी जी देवेंद्र, जी जी देवेंद्र नाम का कोई है, मेरे को याद नहीं, वैसे ही कुछ नाम है, तो देवेंद्र मुर्देश्वर, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल। और उनकी एडिटिंग तो क्रिस्प है, 2 घंटे 9 मिनट की, उसके साथ साथ जो सिनेमेटोग्राफी है विकास शिवम रमन, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। मोहित सूरी का डायरेक्शन तो अच्छा है, स्टोरी मोहित सूरी और असीम अरोरा, इन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, मरना पसंद है लेकिन हारना नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक लास्ट में जाते जाते पूछा जाऊंगा, यूएस सर्टिफिकेट मिला है तो फैमिली ऑडियंस अगर लुक करना चाहे, आजकल ऐसे सीन्स बहुत आम हैं। अच्छा, थोड़े बोल्ड सीन्स हैं बट ओटीटी पे इससे ज्यादा बोल्ड सीन्स हैं, तो आई थिंक यंगस्टर्स विल एंजॉय इट, और यंग क्राउड बहुत है इंडिया में और डेफिनेटली मजा आएगा लोगों को। इज इट वर्थ फॉर मनी फॉर ऑडियंस? Worth, more than worth. It's Achha. Beyond my expectation. Yeah. And lastly, what's the rating out of 5, sir? 3.5. Thank you. 1.5, मैंने इसलिए किया कि मतलब और romantic movies और आनी चाहिए इसलिए, मैं समझती हूँ there is room for improvement, but 3.5 definitely. Thank you, sir. Thank you, Arun sir, for talking to Bollywood Craze. Thank you.